साथियों नमस्कार। सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आम की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। आम की खेती के बारे में जब अध्ययन करेंगे, आम आपका सर्वप्रिय फल है। आम को राजदूत के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है और देश का सम्मानित फल भी कहा जाता है। तो आज हम आम के बारे में अध्ययन करेंगे। आम जिसका वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम है मैंजी फेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम है जिसकी फैमिली यानी कुल एनाकार्डिएसी। और उत्पत्ति स्थल की अगर बात करें तो उत्पत्ति स्थल भारत बर्मा या कह दें म्यांमार उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। उसके अतिरिक्त आम का जो फल प्रकार है दोस्तों अष्टिल। कैसा है फल का प्रकार? अष्टिल यानी कह सकते हैं ड्रप। फल का प्रकार है आम का, जो मैंने बताया नाम कि राष्ट्रीय फल है, बाथरूम फल भी कहते हैं, देश का सम्मानित फल भी कहते हैं और राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त अगर खाने योग्य भाग की बात करें कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो खाने योग्य भाग जो है वो है मीजोकार्प। क्या है? मीजोकार्प खाने योग्य भाग में आता है। और इसके अगर पुष्पक्रम की बात करें तो इसका पुष्पक्रम है दोस्तों पेनिकल। कैसा है? पेनिकल या फिर कह सकते हैं साइमोस पुष्पक्रम इसमें है। और उसके अलावा अगर इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, तो गुणसूत्र संख्या है 2n = 40 यानी मीन्स 4x। 2n = 40 यानी 4x। उसके अलावा परागण की अगर बात करें कि इसमें परागण किस प्रकार का होता है, तो पोलिनेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है? पर परागण होता है। कैसा होता है दोस्तों? पर परागण होता है। और परागण किसके द्वारा होता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? घरेलू मक्खी के द्वारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या वैज्ञानिक नाम है? मस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है। परागण में मक्खी जो कि घरेलू मक्खी सहायक है इसके परागण में, जिसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। पर परागण पाया जाता है, गुणसूत्र संख्या 40 होती है, पुष्पक्रम पेनिकल यानी साइमोस है। उसके अलावा खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? मीजोकार्प है। और फल का प्रकार अष्टिल या ड्रप है। उत्पत्ति स्थल भारत बर्मा म्यांमार कुछ भी लिख सकते हैं। कुल क्या है? एनाकार्डिएसी है। और वैज्ञानिक नाम मैंजी फेरा इंडिका है। उसके अलावा अगर बात करें तो मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा। कैसी पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा पाई जाती। मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों कि मृदा की अगर बात करते हैं तो मृदा कैसी उपयुक्त होती है? तो मृदा बलुई दोमट उपयुक्त मानी जाती है। मृदा बलुई दोमट उपयुक्त मानी जाती है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच 5.5 से 7.5 के आसपास उपयुक्त माना जाता है पीएच मान। उसके अलावा इस फल वृक्ष में पुष्पन कब आता है? पुष्पन कब होता है? फ्लोरिंग स्टेज कब आती है? तो फरवरी मार्च, जिसे आम का बगर पुष्प गुच्छ कहा जाता है, जो फरवरी मार्च के आसपास यानी बसंत ऋतु में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर हम फलन की बात करें तो फलन मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है
और बैरेटीज के अकॉर्डिंग उपलब्ध होता है, अगेती पछेती मध्य जो बैरेटीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अगर हम फलन उपलब्धता की बात करेंगे तो अभी हम अकेती पछेती मध्य बैरेटीज पढ़ेंगे, एकांतरण फलन पढ़ेंगे इसमें, तो हम ये चीजें जान लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में सर्वाधिक आम उत्पादन करता है, कितना करता है? अगर हम क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से बात करें भारत की, तो भारत क्षेत्रफल व उत्पादन की अगर हम बात करें तो कितना करता है, तो 54% करता है। कितना करता है? 54% करता है। जबकि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का है, जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है और क्षेत्रफल में क्या है, अग्रणी है। क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में अग्रणी है, दोनों में अग्रणी माना जाता है। जबकि उसके अतिरिक्त अगर विश्व की मैं बात करूं तो विश्व में कौन है, वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। पुनः रिपीट करता हूं, मृदा बलुई दोमट, पीएच 5.5 से 7.5 दोस्तों। उसके अलावा फरवरी मार्च में पुष्पन होता है। फलन अगर बात करें तो किस्मों के वैराइटीज के अकॉर्डिंग अकेती पछेती जो है भारत क्षेत्रफल व उत्पादन में जो हिस्सेदारी करता है दोस्तों 54% करता है। जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में अग्रणी है। विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है, जिसकी उत्पादकता अधिक है। तो इस तरह से ये परिचय रहा। अब कुछ आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो जब आगे की बात करते हैं तो आगे की बात में सबसे पहले आएगा आपका कि राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 19-20 के आंकड़ों के अनुसार, 19-20 के आंकड़ों के अनुसार सबसे पहले आज वर्तमान में उदयपुर है, उसके पहले चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा थे। तो आज सबसे अग्रणी कौन है? सबसे अग्रणी है आपका राजस्थान में, राजस्थान में कौन है? उदयपुर। कौन है? उदयपुर। उसके पहले अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और उसके पहले चित्तौड़गढ़। कौन है? चित्तौड़गढ़। तो क्रमशः इस प्रकार की स्थिति बन जाती है दोस्तों कि मीन्स 19-20 के ये आंकड़े अगर बताऊं मैं तो 19-20 के आंकड़े हैं जो एक क्रम से चलता है। प्रेजेंट टाइम पे उदयपुर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है राजस्थान का। आम में विटामिन की उपलब्धता की हम बात करें तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। कितना पाया जाता है? 4800 आयु जो इंटरनेशनल यूनिट है प्रति 100 ग्राम फल का भक्षण करने पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आम में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है, जो कि 4800 आयु प्रति 100 ग्राम फल में उपलब्ध होता है। उसके अलावा आम अनुसंधान केंद्र कहां है उसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? तो उत्तर मिलता है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। कब स्थापना की गई? 1972 में इसकी स्थापना की गई, खोला गया इसको। तो आम अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? मींस लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? लखनऊ यूपी में उपस्थित है, खोला गया। आम की जो गुठली होती है दोस्तों, आम की गुठली का जीवन काल 30 दिन होता है, यानी बीज जो होता है, यानी जो गुठली होती है आम की गुठली का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन होता है। कितना होता है? 30 दिन होता है। मींस उसके बाद सुप्त अवस्था में चली जाती है। आम का हम बगीचा लगाते हैं, कई प्रकार से लगाते हैं, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, षटभुजाकार, क्विंकस या उसके अलावा अन्य विधियां अपनाते हैं। लेकिन अगर आम के बगीचे की स्थापना करनी है, आम का बगीचा लगाना है, तो आम का बगीचा लगाने के लिए
कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो आम का बगीचा लगाने के लिए वर्गाकार विधि। कौन सी विधि दोस्तों? वर्गाकार विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वर्गाकार विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, मींस आम का बगीचा वर्गाकार विधि से लगाना चाहिए। किस विधि से लगाना चाहिए? वर्गाकार विधि से दोस्तों लगाना चाहिए। आम ऐसा फल वृक्ष है, नींबू, जामुन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो सीधा उत्तर मिलता है, आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब एक बीज से कई पौधे बन सकते हैं। अगर बीज के आंतरिक भाग को, मध्य भाग को निकाला जाए और उसको तोड़ा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बीज बढ़ जाता है, खंडित हो जाता है। तो मींस क्या होता है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या होता है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। उसके अलावा ध्यान देना है कि मींस नई दिल्ली में आपका एक उत्सव मनाया जाता है जो 30 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वो कौन सा उत्सव है? अंतरराष्ट्रीय आम उत्सव। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय आम उत्सव कहां पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 30 जून को अंतरराष्ट्रीय आम उत्सव मनाया जाता है। आम उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को नई दिल्ली में आम उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस सबका क्या है? राष्ट्रीय फल माना जाता है। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश इन सभी देशों में इसको राष्ट्रीय फल की संज्ञा दी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें पंजीकरण सोसाइटीज की, कहां है? IMRS यानी मींस कह देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मैंगो रिसर्च सेंटर इसका कहां है? तो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। क्या मैं कह रहा हूं? IMRS यानी इंटरनेशनल मैंगो रिसर्च सेंटर, यानी कह दूं अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी कहां पर है? तो इसका स्थान है नई दिल्ली। कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। उसके अलावा बात करता हूं मैं आगे कि मींस आम में अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आम मैंजीफेरा इंडिका कुलेना कार्डियेसी दोस्तों। उसके अलावा गुणसूत्र संख्या 2N=40, उत्पत्ति स्थल भारत, बर्मा या म्यांमार, फल ऑस्ट्रेलिया ड्रप है, खाने योग्य भाग मिजोकार्प है, पुष्प क्रम पेनिकल या साइमोस, परागण परपरागण घरेलू मक्खी द्वारा। उसके अलावा मृदा बलुई दोमट, पीएच 5.5 से 7.5। उसके अलावा पुष्पन फरवरी मार्च में, फलन वैराइटीज के अकॉर्डिंग भारत में 54% क्षेत्रफल पर आम उगाया जाता है। यूपी का क्षेत्रफल उत्पादन में अग्रणी स्थान है। वेनेजुएला विश्व के अंदर है। आम में सर्वाधिक विटामिन ए दोस्तों पाया जाता है। 4800 आयु, प्रति 100 ग्राम में राजस्थान में उदयपुर प्रथम, उसके पहले 19-20 के आंकड़ों में चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा। आम अनुसंधान केंद्र 1972 में लखनऊ में खोला गया। आम की गुठली का जीवन काल 30 दिन होता है। आम का बगीचा वर्गाकार विधि से लगाया जाता है। आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। नई दिल्ली में 30 जून को अंतरराष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। आम को भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश में राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं या उसको संबोधित करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण सोसाइटी नई दिल्ली में है। आम को राजदूत, बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल, देश का सम्मानित फल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज पहला पार्ट था, पुनः फिर दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा
और जेट सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जेट अपने चरम पर है इस समय, जिसका एग्जाम भी आने वाला है कुछ समय बाद। तो बेहतरीन तैयारी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।